अच्छा दोस्तों, साबिर हुसैन भाई मौजूद हैं मेरे साथ और इनके पास ये छोटे जानवर है। एक ही जानवर है आपका? ये सारे जो हैं वो इनके जानवर हैं, दो दो दांत के अंदर है। इसको ले आओ, उधर ले आओ। दोस्तों ये छोटा जानवर है, छोटे जानवर के शौकीन जो हैं वो आएँ, और बहुत प्यारा मुंडा ये बच्चा है। दो दांत है भाई, माशाल्लाह से बहुत छोटे पैसों में अच्छा बछड़ा है। क्या मांग रहे हो भाई? 90,000 रुपये मांग रहे हो? हाँ। दो दांत है ये पक्का? पक्का दो। दोस्तों 90,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, डिमांड तो खैर सही कर रहे हैं, लेकिन 90,000 रुपये की चीज़ नहीं है। गोल मडोल बछड़ा है, खूबसूरत सा छोटा सा बछड़ा है ये, अच्छा है। और जो है वो क्या होंगे फाइनल? मैं बस इतने ही कम करोगे? बिल्कुल फाइनल, एक दाम बताओ, एक दाम बताओ कितने में दोगे? 85,000 रुपये में फाइनल होगा। दोस्तों 85,000 रुपये में बच्चा कह रहे हैं, खूबसूरत बछड़ा है और वज़न वाला, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वज़न नहीं है, अच्छा बछड़ा है। और 80-85 में ये दे देंगे फाइनल। मेरे हिसाब से जो है वो ये आराम से जो है वो 70-75 का होना चाहिए। 80 में मांगा है किसी ने तो 80 में इन्होंने नहीं दिया है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। ये एक और बछड़ा इनके पास मौजूद है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी साफ़ सुथरा बछड़ा है। ये नस्ल कौन सी है? सिंध है? सिंध और पंजाब क्रॉस है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी ब्यूटी है इनके पास। इसके क्या मांग रहे हो दोस्त? इसका 1,10,000 रुपये इसके मांग रहे हैं ये। ये भी अच्छा बछड़ा है माशाल्लाह से, खूबसूरत बछड़ा है, दो दांत के अंदर है, वन कलर के अंदर इसके इनके पास ज़्यादातर बछड़े मौजूद हैं। एक अलग कलर के अंदर भी है, खूबसूरत बच्चा। उसके क्या मांग रहे हो अलग के? हाँ एक पूरा है, उसका एक पूरा मांग रहे हैं ये। इनके पास जो रेंज प्राइस है वो 80 से लेके 1,00,000 रुपए तक की रेंज प्राइस के जानवर हैं, और अच्छे जानवर हैं, गोल जानवर हैं। पर अगर आप आओ तो इनके पास भी है। क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन भाई। ये शुरू में ही है, गेट नंबर कौन से? गेट नंबर दो। गेट नंबर दो पे ये मौजूद है। नंबर है, मोबाइल नंबर है आपका? मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर बोलो। ठीक है भाई, जिस भाई से रब्ता कोई भाई रब्ता करना चाहे, छोटे जानवरों के लिए मुनासिब प्राइस मांग रहे हैं और अच्छी प्राइस मांग रहे हैं, 50,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का जानवर इनके पास। अच्छा दोस्तों इसके पास एक और बच्चा है, दो दांत है ये, दो दांत के अंदर। आप थोड़ा सा आगे लेके आए इसको, दो दांत के अंदर ये एक और ब्यूटी चेक करें, माशाल्लाह से नाप झलर के अंदर बच्चा है और फुल हैवी वेट के अंदर है। और इसकी डिमांड डिमांड क्या कर रहा है बेटा? 2,30,000 रुपये, 2,30,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं ये। और बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी है दोस्तों, फुल नाफ झालर के अंदर गोल मॉडल बछड़ा है, हैवी वेट के अंदर। और मीट वेट की अगर मैं बात करूं तो ये आराम से जो है वो मीट वेट के अंदर 8.5 या 9.5 मन बच्चा ये निकलेगा। तो अगर जिस भाई को ये पसंद समझ में आता है तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर किया है माशाल्लाह से। थोड़ा नीचे उतर, तो मैं आपको इसका बैग भी दिखाता हूँ, बैग से भी जो है वो मैं आपको ये बच्चा दिखाता हूँ। 2,30,000 रुपये डिमांड कर रहा है, उफ़ आतंक ब्यूटी है माशाल्लाह का, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसका एक और बच्चा है जो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, माशाल्लाह से VIP बछड़े हैं ये। और रश इतना है ना दोस्तों के आज जो है वो व्यापारी जो है वो सही जो है जानवर नहीं दिखा पा रहे हैं, और रश की वजह से जो है वो काफ़ी जो है वो सब डिस्टर्ब है, क्योंकि ख़रीदार भी बहुत हैं और मंडी के अंदर जो है वो जानवर भी इतना ज़्यादा आया है कि चलने फिरने के लिए जो है वो मसला। चोलिस्तान के अंदर है बच्चा ये। दोस्तों ये एक और ब्यूटी चेक करें, दो दांत के अंदर, अलग कलर के अंदर, ब्राउन सफ़ेद के अंदर बच्चा है। बेटा इसका क्या मांग रहे हो? इसका 2,40,000। 2,40,000 रुपये, इसके ज़्यादा नहीं है यार? नहीं ज़्यादा नहीं। अच्छा दोस्तों इसके साथ एक और ये बछड़ा खड़ा हुआ है जोड़ी के अंदर, जोड़ी के क्या डिमांड कर रहे हो? 2,40 इसका, 2,40 इसका। अच्छा दोनों के 2,40,000 रुपये हैं। दोस्तों वेट के अंदर और वज़न के अंदर सेम बच्चे हैं ये, और काफ़ी खूबसूरत हैं। तो ये भी अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो मैंने इनका नंबर शेयर किया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। नो डाउट ब्यूटी अच्छी है, वज़न के अंदर बच्चे हैं ये। मीट वेट की बात करूं तो आराम से जो है वो 6.5-7 मन ये भी बच्चे होंगे मीट वेट के अंदर। और एक बच्चा मैं आपको एक और दिखाता हूं इनका, ब्लैक एंड वाइट के अंदर, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी ब्यूटी है, दो दांत के अंदर है और मीट वेट के अंदर जो है वो ये पिछले वाले दोनों से जो है वो थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन नो डाउट ब्यूटी अच्छी है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा किंग कराची अली खान। किंग कराची अली खान अभी डिग रोड में भी है। डिग रोड? डिग रोड टेन बाजार में अपना माशाल्लाह भाड़ा है तो बेची रहते हैं। अच्छा डिग रोड में किस जगह पे? डिग रोड टेन बाजार में। किस वक्त होते हैं आप वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, क्या हाल हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनो, आपकी दुआ चाहिए। अच्छा शहबाज भाई, अच्छा दोस्तों सबसे पहले शहबाज भाई का इंट्रोड्यूस आपको करवाता हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं ये, और इनका भी जो है वो जानवर वो होल सेल के लिए होता है,
और इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों आपको इनका जानवर भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा शहबाज भाई, ये बताइए सबसे पहले कि सोरा बोर्ड मंडी भी लगी हुई है और ये मंडी तो आपको पता है 12 महीने की है, तो वहाँ और यहाँ की नस्बत क्या डिफरेंस है जानवरों के अंदर भी, रेट्स के अंदर भी, क्या 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 सजेशन देंगे लोगों को? वहाँ की मंडी का साहब ये है कि वहाँ के जो मवेशी जानवर व्यापारी लाते हैं वो दूर दराज से लाते हैं, पंजाब साइड से। यहाँ के जो करीबी इलाके जा रही है वो यही के अपने करीबी इलाके में ले आते हैं, उनको यहाँ पे ये है कि बचत हो जाती है। वहाँ पे टैक्स वगैरह होता है, पानी वानी हर चीज़, दाना चारा, यहाँ पे इनको ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे भी गरीब करीबी मवेशी मंडी है, यहाँ से इनको बचत हो जाती है। अच्छा हाँ, वो तो आपकी बात सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 12 महीने की मंडी है और रेट्स भी दूसरी नस्बत कम है, तो इस वक्त सोरा बोर्ड की नस्बत से मस्ती मंडी सस्ती कहलाएगी ना यहाँ पे? यहाँ की मंडी फिर भी सही है, सलाकोट मवेशी के रेट बहुत हाई है, बहुत हाई है ना यहाँ पे, फिर भी नस्बत जो है कम है। दोस्तों मैंने जिनसे भी बात की, आपको दिखाया, आपके साथ शेयर किया, सब यही कह रहे हैं कि सोरा बोर्ड की नस्बत यहाँ की मंडी सस्ती है, और खुसूसन जो छोटे जानवर लेने वाले हैं वो तो यहाँ पर आकर विजिट करें, इंशाल्लाह यहाँ पे सौदे भी बन रहे हैं और जो है वो इनके मतलब का माल भी मिल रहा है, सही है शहबाज भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो यहाँ पे लोग लेके आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे सही मिल रहा है जानवर, अच्छा ही मिल रहा है, मुनासिब रेट में मिल रहा है। और वहाँ पे जो है रास्ता दूर का है सराबकोट का, तो वहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर वहाँ पे ऐसी बस को घूमने फिरने चले जाते हैं। हाँ, कुछ लोग जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं, जिस वजह से व्यापारी जो है वो तो आपको पता है अपनी आँखें सर पर रख लेते हैं। तो आज तो माशाल्लाह से काफ़ी मतलब जो है वो कस्टमर भी नज़र आ रहे हैं और व्यापारी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और जानवर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो ये मंडी अब जो है वो मेरे ख्याल से बकराईद तक नहीं टूटेगी, बकराईद तक वो ऐसी इसी तरह रश रहेगा। यहाँ पे मंगल जो है, मंगल की मंडी होती है, मंगल धक्का भी होता है, तो इस वजह से लोग जो है खरीदारी के लिए यहाँ पे काफ़ी बन जाए हैं। अच्छा दोस्तों, शहबाज भाई के मैं जानवर तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन फिर भी मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उनके पास 7-8 जानवर बड़े में भी है, छोटे में भी हैं, तो अगर इनके पास जाकर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिग रोड पर इनके जानवर हैं। बाकी मैं अपनी वीडियो में भी इनके जानवर शेयर कर दूँगा। शहबाज भाई अपना नंबर ज़रा शेयर किए व्यूवर्स के साथ, 0315-2143-767। अच्छा ये बताइए कितनी रेंज से स्टार्ट है आपके पास जानवर और कितनी रेंज पर ख़त्म है? हमारे पास जो रेंज है स्टार्टिंग वो है मैक्सिमम 85-90 और आखिरी 120 तक, 125 इस तरह के रेंज लोगों। दोस्तों 80,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये तक के इनके पास जानवर मौजूद हैं, तो इन्होंने अपना नंबर शेयर किया है, बाकी मैं इनके जानवर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला इनसे भी आप मुलाकात करें। इनके जानवर डिग रोड पर मौजूद हैं, मलिर मंडी आने की ज़रूरत नहीं है, डिग रोड आपको पता है मलिर मंडी से पहले ही आ जाता है, तो वहाँ पर जो है वो इनका आप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें और इनसे रब्ता करके इनसे इनके जानवर देख सकते हैं। चलें मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मंडी के अंदर मौजूद। दोस्तों एक और ब्यूटी आपको चेक कराता हूँ, माशाल्लाह से VIP बछड़ा नाफ जालर के अंदर, दो दांत के अंदर बछड़ा है ये, और बहुत खूबसूरत ब्यूटी है, काफ़ी हेवी बच्चा है, और दो दांत है ये, चार दांत हैं दोस्तों, चार दांत के अंदर है ये, और डिमांड का तो खैर मैंने अभी नहीं पूछा, बैग से मैं आपको जो है वो इसकी दिखाता हूँ पिक, बहुत ज़बरदस्त और ब्यूटी, खूबसूरत जिसको कहते हैं ना, ठोस बच्चा कहलाते हैं इसको। क्या मांग क्या रहा है? 2,30,000 रुपये। ये भाई ने जो है पूछा है 2,00,000 रुपये। अच्छा सीन टूटा हुआ है, हमने तो नज़र आ रहा है ना, आप तो गौर करेंगे। ओह दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा नुक्स है, ये सिंह जो है वो थोड़ा सा सिंह के अंदर इसके मसला है, बाकी जो है वो बच्चा जो है वो बहुत खूबसूरत बच्चा था, ये का इसका थोड़ा सा डिफेक्ट है, ये भाई ने जो है वो अभी देखा है तो मुझे बताया है, बाकी बच्चा जो है वो नो डाउट बहुत खूबसूरत है। अच्छा दोस्तों एक जो है वो आपको एक खूबसूरत ब्यूटी में दिखाता हूँ माशाल्लाह से, अब जो है वो थोड़े से खूबसूरत जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक वाइट ब्यूटी के अंदर, और रेट्स तो हैं वो मुझे नहीं पता कि क्या हैं ये, बाकी इनके पास 3-4 जानवर बहुत खूबसूरत मौजूद हैं, और जो है वो देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत ब्यूटी जिसको बोलते हैं, मैं कुछ रेट पूछने की कोशिश करता हूँ, बाकी एक नज़र जो है वो आपको दिखाता हूँ मैं, ये बछड़ा चेक करें माशाल्लाह से, और ये जो है वो टेंट वाला आइटम है सारा, देख सकते हैं आप VIP ज़बरदस्त बछड़े हैं माशाल्लाह से भाई, ये 9,00,000 की जोड़ी, ये 7.5 लाख ज़बरदस्त, आपके हैं सर ये 9,00,000 रुपये, ये 7.5 लाख रुपये की जोड़ी है दोस्तों, ये एक और ये दो 9,00,000 रुपए की जोड़ी है, और ये जो है वो 7.5 लाख रुपए की जोड़ी है, तो जैसा मैंने आपको कहा ना कि VIP चीज़ें हैं ये, और VIP चीज़ों के VIP दाम होते हैं, सब दो दो दांत के अंदर बच्चे हैं ये, और ब्यूटी ऑन द बेस्ट जिसे कहते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं, मैं आगे से भी आप लोगों को देखा, दो दो दांत के अंदर है, हाँ ये जो है ना
ये दोनों चार चार दांत हैं। अच्छा, ये दोनों चार चार दांत हैं और वो दोनों जो है वो दो दो दांत हैं। दोस्तों दांत देखें माशाल्लाह से, ये घर के पले हुए जानवर है और दांत भी जो है वो ये खुद दिखाते हैं माशाल्लाह। और जिस जो भी भाई देखे माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करें और अल्लाह पाक जो है वो जो भी ये लेगा इनकी कुर्बानी जो है वो कबूल करें। ऑसम ब्यूटी, एक्सेलेंट ब्यूटी, वी आई पी चीज़ें दोस्तों। ये और भी काफ़ी सारा जानवर इनके पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये बच्चा खड़ा हुआ है अलग कलर के अंदर, वी आई पी बच्चा, ये भी देख सकते हैं आप, उठान के अंदर है और जो है वो काफ़ी हेवी वेट के अंदर बच्चा है। ये नाव जालर के अंदर बच्चा है। तो क्या तो बैग क्या कर।